अध्याय 34 दीना के साथ बलात्कार। एक दिन याकूब से उत्पन्न लेया की पुत्री दीना उस स्थान की स्त्रियों से मिलने गई। जब हिव्वी भूमिपति हमोर के पुत्र सिखेम ने उसे देखा तो उसे पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। वह याकूब की पुत्री दीना पर मुग्ध हो गया। वह उस लड़की को प्यार करता था और उसने उससे मीठी मीठी बातें की। सिखेम ने अपने पिता हमोर से कहा, इस लड़की से मेरा विवाह करा दो। याकूब ने सुना कि उसकी पुत्री दीना के साथ बलात्कार हुआ है। उस समय उसके पुत्र खेतों में ढोरों को चराने गए थे, इसलिए याकूब उनके लौट आने तक कुछ न बोला। सिखेम का पिता हमोर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास आया। जब याकूब के पुत्र खेतों से घर लौटे और उनको इसकी खबर मिली तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे, क्योंकि इज़राइल में याकूब की पुत्री के साथ बलात्कार कर सिखेम ने उनके प्रति बड़ा अपमानजनक काम किया था। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। सिखेम निवासियों के साथ याकूब का संबंध। परंतु हमोर ने यह कहते हुए उनको संबोधित किया, मेरा पुत्र सिखेम तुम्हारी पुत्री पर मोहित हो गया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग उसका उससे विवाह करा दो। हम लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर दो। अपनी कन्याएं हमें देने लगो और तुम हमारी कन्याओं को अपने लिए लेने लगो। तुम हमारे साथ रहो, यह भूमि तुम लोगों के सामने है, उसमें बसो, व्यापार करो और धन संपत्ति अर्जित करो। इसके बाद सिखेम ने दीना के पिता और भाइयों से कहा, तुम लोग मुझ पर कृपा करो, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। जितना भी दहेज या भेंट तुम मुझसे चाहोगे मैं दूंगा, बस उस कन्या को विवाह के लिए मुझे दे दो। याकूब के पुत्रों ने सिखेम और उसके पिता को छलपूर्ण उत्तर दिया, क्योंकि वह उनकी बहन दीना को भ्रष्ट कर चुका था। उन्होंने उनसे कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी भी ऐसे मनुष्य को अपनी बहन नहीं ले सकते जिसका खतना ना हुआ हो, क्योंकि यह हमारे लिए अपमानजनक बात होगी। हम इस शर्त पर ही तुम्हें स्वीकृति दे सकते हैं कि तुम भी हमारे समान हो जाओ और तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए, तभी हम तुमको अपनी कन्याएं देंगे और अपने लिए तुम्हारी कन्याएं स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हम तुम्हारे साथ बसकर एक जाति बन जाएंगे। यदि तुम हमारी बात न मानोगे और खतना न कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर आगे चले जाएंगे। उनकी बातों से हमोर और उसका पुत्र सिखेम दोनों प्रसन्न हुए। सिखेम ने इस बात को पूरा करने में जरा भी देर न की, क्योंकि वह याकूब की पुत्री पर मुग्ध था। वह अपने सारे घराने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था, इसलिए हमोर और उसका पुत्र सिखेम दोनों अपने नगर के द्वार पर आए और अपने नगर के पुरुषों से कहने लगे, ये लोग हम लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं, इसलिए इन्हें अपने देश में बसने और व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि इनके लिए देश में पर्याप्त जगह है। हम इनकी कन्याओं के साथ विवाह कर लें और इन्हें अपनी कन्याएं विवाह में दें। ये हमारे साथ बसने और हमारी जाति में मिल जाने को इस शर्त पर तैयार हैं कि हम में से प्रत्येक पुरुष का इनकी तरह खतना किया जाए। तब क्या इस हालत में उनके सारे ढोर, धन संपत्ति और पशु सभी हमारे नहीं हो जाएंगे? सिर्फ हम उनसे सहमत भर हो जाएं, वे हमारे साथ बस जाएंगे। इस पर उन सब पुरुषों ने जो नगर द्वार पर आए थे हमोर और उसके पुत्र सिखेम के प्रस्ताव को मान लिया, और उन सब ने जो वहां आए थे अपना खतना करवा लिया। सिखेम वालों से बदला चुकाना। तीसरे दिन जब वे सब दर्द से छटपटा रहे थे, याकूब के दो पुत्र सिमोन और लेवी जो दीना के भाई थे,
अपनी तलवारें लेकर बिना किसी सूचना के नगर पर टूट पड़े और उन्होंने सब पुरुषों को मार डाला। उन्होंने हमोर और उसके पुत्र सिखेम को भी तलवार के घाट उतारा। फिर सिखेम के घर से दीना को लेकर चले आए। याकूब के दूसरे पुत्र मृतकों के पास आए और उन्होंने नगर को लूट लिया, क्योंकि उनकी बहन के साथ बलात्कार किया गया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां, गायें, बैल, गधे और नगर और खेतों की सारी चीजें ले ली। उन्होंने उनकी सारी धन संपत्ति, उनके बाल बच्चों और उनकी स्त्रियों को तथा जो कुछ उनके घरों में था उसे लूट कर अपने अधिकार में ले लिया। तब याकूब ने सिमोन और लेवी से कहा, तुम लोगों ने कनानी और परिच्छी देशवासियों की दृष्टि में मुझे घृणित बनाकर मेरे लिए आपत्ति मोल ले ली है। मेरे पास बहुत थोड़े आदमी हैं। यदि वे लोग एकत्रित होकर मुझ पर आक्रमण कर दें, तो मेरा और मेरे परिवार का नाश होगा। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, क्या उसको हमारी बहन के साथ एक वेश्या की तरह व्यवहार करने का अधिकार।